हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु गौतम और ये हमारी 10th वीडियो है एन सीरीज़ की मैथ्स टोपोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स टोपोलॉजी क्या है कि बेसिकली इसमें सारे कंप्यूटर जो आपके हैं वो एक दूसरे, मतलब अगर आप 5 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर से बाकी 4 कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ताकि कोई भी इंटरकनेक्शन, मतलब कोई भी डिसकनेक्शन ना हो। और इसमें क्या होता है कि हाई लेवल रिडंडेंसी होती है ताकि आपका डेटा किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एट ए टाइम। और बेसिकली क्या होता है कि इसका सबसे मेन यूज़ जो है वो आजकल ये ISP प्रोवाइडर करते हैं ताकि हमारी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो डाउन ना हो। इसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम की जगह पे ये लोग राउटर्स यूज करते हैं और उसमें ये राउटर्स में केबल्स को कनेक्टेड करते हैं ताकि जो रिलायबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है कनेक्शन की, वो अवेलेबल रहे। और इसमें वायरिंग जो होती है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि वायरिंग जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक PC से सारे बाकी 4 PC कनेक्टेड हैं। तो इसमें थोड़ा वायरिंग जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। बाकी इसके बाद जो है कि इसकी जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो ये है कि एडवांटेज ये है कि ये रिडंडेंट होती है और इसमें जो डिवाइस को ये पाथ पर लाइक डेटा फ्लो करने के लिए पाथ डिफाइन कर देती है। पाथ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो स्पीड थोड़ी हाई होती है और थोड़ा जल्दी क्या कहते हैं कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहती है। और अगर कोई डाउन हो जाता है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैनेज करना, क्योंकि आपने पिक्चर में देखा होगा कि किस तरह से सारे एक सिस्टम को सभी उससे मैनेज कनेक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसमें कि आपको केबल्स इतनी ज़रूरत पड़ती है कि केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको जितने सिस्टम कनेक्ट करने हैं उसमें आपको NIC भी ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है ये टेक्नोलॉजी। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। ये सिर्फ वैन में चलती है कि मतलब वैन में भी इसलिए चलती है क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी के लिए यूज होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।